बांद्रा और दिस इज सल्लू भाई का घर। सर आप सलमान खान के बॉडी गार्ड हो? नहीं आए क्या पार्टी से? परफेक्ट। गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक गाइस। आज है ट्यूसडे 27 दिसंबर। दिसंबर आ गया और अभी बजे 7:49। तो गाइस व्हाट्स बेटर देन राइडिंग इन द मस्त नेक्स्ट टाइम। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 22 डिग्री। मुंबई के अंदर मतलब वाह ठंडी। इससे बेहतरीन चीज क्या होगी अर्ली मॉर्निंग राइड के लिए। और बाय द वे आज 27 दिसंबर है और हमारे सोलोमन बॉय का आज बर्थडे है। मैं सोचा एक स्ट्रेच मार लूं यहाँ से लेके कार्टर रोड तक, एक बार देख भी लेंगी क्या माहौल है। शाहरुख खान के वक्त तो इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। जब शाहरुख खान का भी बर्थडे था थोड़ी दिन पहले, यार क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग है। इस ठंडे वातावरण में मेरा दिल की धड़कन कैसा है, धड़कता हुआ फ्यूल का आप इंडिकेटर देख रहे हो। तो फ्यूल बहुत कम है, ये भी फ्यूल अप करना जरूरी है। आई डोंट नो व्हाई इधर से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे चलो खड़े, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे। तो हियर वी आर लोटस पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप लोटस के शेप का है, इसके लिए इसको लोटस पेट्रोल पंप बोला जाता है। कमाल। आई वंडर कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक या बस कैसे जा सकती है। 10 लीटर इसलिए क्योंकि न्यू कार्बोरेटर चेंज किया। तो लेट्स सी कि 10 लीटर में कितना चलती है। दिस इज न्यू टैंक ऑल्सो। 0 meter, yes, it's 0 meter. 10 liter for 1,063 rupees. What a coincidence! 106 kilometer पे ही मैं भर रहा हूँ 106 रुपए का पेट्रोल, वो भी 10 liter 1,063 rupees में। हवा भर दोगे? हाँ, अरे भर दो, बराबर है बोल। बहुत टाइम से भरा नहीं हवा, ऐसा बराबर रही। So this man has must vision. सही थे, बराबर आगे का ते पीछे का कितना सही हुआ। गलत हो, पीछे देखो कम दिए। होता है कि आपकी जब बाइक है ना नई होती है ना, 5 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक इतना कुछ मेजर खर्चा नहीं आता है। लेकिन जैसे आपकी ये 5 साल और 50,000 के ऊपर चल जाते हैं, जैसे कि मेरा 59,000 किलोमीटर चल चुकी है, तब जाके मेजर खर्चे आते हैं। इस साल मैंने बाइक में बहुत मेजर खर्चे किए। सबसे मेजर खर्चा तो इसका टांकी था, टांकी पूरी रस्ट आउट हो गई थी, 5-6 हजार की टांकी आ गई। देन मेरा एक्सल पे रस्ट आउट हो गया, एक्सल जो पीछे के टायर का होता है वो टूट गया था, वो भी समथिंग 3-4 हजार का आया था। 2 या 4 देन और एक बड़ा फटका लगा कि मेरी बाइक एवरेज नहीं दे रही थी। तो बहुत कुछ ट्राई किया, कार्बोरेटर क्लीनिंग, ये एयर फिल्टर क्लीनिंग, सब दुनिया भर के जो मैंने सब ट्राई किया। एट द एंड फ्रस्ट्रेट होकर मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, नए कार्बोरेटर असेंबली डालते। तो रिसेंटली मैंने कार्बोरेटर असेंबली डाला जो कि 6,500 तक ओवरऑल। ये सब बड़े बड़े खर्चे आते हैं। अक्सर दोस्त लोग पूछते हैं कि सेकेंड बाइक लेना है कि सेकेंड गाड़ी लेना है। जब भी आप सेकेंड बाइक या सेकेंड कार लेते हो ना, तो जितनी भी वैल्यू होगी तो उसका 20% आप समझ लेना कि आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर 1,00,000 रुपए की गाड़ी लेते हो तो 20,000 आपको ऐसी मैकेनिक चेंजेस के अंदर तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। कैसा कि मैं किसको अभी भेज देता था बाइक, कंडीशन देखने में चलने में तो अच्छी है लेकिन अंदर के इंटरनल बाइक है, कार है या कुछ भी मशीन है, मेंटेनेंस तो मांगेगी, इंसान भी खुद मांगता है। रिक्शा, हाँ मेंटेनेंस के हिसाब से ये भी मेरा एक रूटीन मेंटेनेंस है, ऐसा कहाँ पे निकलने मजा आता है। वैसे अभी बज रहे हैं 8 और मुझे 10:30 का मेरा ऑफिस है, वो भी कांदिवली में, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बांद्रा में। डोंट नो कैसे मैनेज होगा लेकिन लेट्स सी। एक निर्धारित समय है, अगर वो समय तक मैं कार्टर रोड पहुंचता हूँ तो अपन जाएंगे, नहीं तो फिर वापस यूटर्न मार लेंगे। 8:30 तक मैं जहाँ पे मिलूंगा वैसे यूटर्न मार के मुझे घर पे जाए। गाइस सो फास्ट एंड सो फ्यूरियस, 8 बजे मैं था जुहू में, अब बज रहे 8:12 और आई ऑलरेडी रीच इन कार्टर रोड। वेरी फास्ट, जस्ट जोकिंग। एक शॉर्टकट है जो जुहू और के अंदर से आता है, मैं वहां से आया इसके लिए। थोड़ी गली है लेकिन मस्त फटाफट पहुंच जाते। अगर मैं वही एसवी रोड या लिंक रोड से आता तो मुझे कम से कम 20 मिनट लगता था आने के लिए। ये शॉर्टकट ज्यादा लोगों को एक्सप्लोर नहीं, क्योंकि हमें एक्सप्लोर हो चुका है क्योंकि हम साइकिल पे बहुत मुंबई के रास्ते में फिरे। जब बाइक नहीं थी तो हम साइकिल पे कार्टर रोड बैंडस्टैंड जाते थे। अगर गली गली से शॉर्टकट मारोगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑफ रोड करना पड़ेगा, और ये ऑफ रोड जिक्सर पे हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कर ले रहे यार। हियर वी रीच कार्टर रोड से बी एंड स्टैंड। तो गाइस हियर वी रीच बांद्रा और दिस इज सल्लू भाई का घर। फैंस है बट इतने शाहरुख भाई, सल्लू भाई थोड़े कभी एटीट्यूड में थे, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते। तो हियर आर सम फैंस इज हो, यहाँ पे फैंस आ रहे धीरे धीरे। सर आप सलमान खान के बॉडी गार्ड हो? नहीं आए क्या पार्टी से? 7 बजे वही सुबह कार में पार्टी थी, रात को बोला आए रहेंगे। 6 बजे पक्का मिलेंगे, आएंगे बाहर, ठीक है। शाम को आना पड़ेगा ऑफिस, गोरेगांव से आया ना। तो आई जस्ट आस्क कि आज
भाई का बर्थडे है तो फिर भाई इन पार्टी में मगन मस्त, रात को पार्टी थी इधर ही खार में और ये किसका फोन आ रहा है, लेट मी सी, मम्मी का फोन। तो मॉम वॉज आस्किंग अबाउट कि काम पे जाने का है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ काम पे, तो मॉम को लगता है काम पे नहीं जाना लेकिन जाना है। तो ये तो मम्मी वही टिफिन के बारे में पूछ रही थी। तो ये सलमान भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई जान, 27 दिसंबर। ओके दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। तो सलमान बॉय इज नॉट हियर, सो लेट्स डू गो 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 बैक एंड मीट शाहरुख बॉय। सब लोग क्या हुआ था कि सब लोग मस्त रात को पार्टी वार्टी कर रहे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहे कि सलमान भाई कार में मस्त को पार्टी दिए, सब आए थे, शाहरुख खान आया था, कार्तिक आर्यन आया था, तो बहुत ऐसा है। लेकिन ठीक है, अपने को क्या, अपने को तो बुलाया नहीं सल्लू भाई ने, अपन नाराज है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, काम ऐसा करेंगे एक दिन सल्लू भाई सामने से बुलाएंगे। जस्ट जोकिंग, कोई शौक नहीं फिल्म लाइन में जाने का, अपने को शौक है यूट्यूब का। तो यार वी रीच शाहरुख इधर और यहाँ पे डी डी एच एल राज बैग लेके खड़ा है और यहाँ पे शाहरुख तो है नहीं यार। 8 hours later.